तो वेलकम बैक। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए की फिगर आपके सामने है, इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं ए बी और जो सी डी लाइन है बेसिकली ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मीनिंग अब आप लोग समझते ही हैं, ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें, टच ना करें। तो आप देखें ए बी और सी डी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, तो ये पैरेलल लाइन है, ये हमें बताया गया क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, आपने इस क्वेश्चन में जितने भी नीचे लिखे हैं सब पार्ट्स में अननोन फाइंड करके दिखाना है, वो वैल्यूज जो आपको मालूम नहीं है, जो कि बेसिकली लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट की जाती हैं। जैसे आप इस शेप में देखें, एक लोअर केस लेटर लिखा हुआ है बी डिग्री, एक जगह लिखा हुआ है ए डिग्री। आपने बेसिकली ये ए डिग्री और बी डिग्री फाइंड आउट करके दिखाना है। तो मैंने ये शेप बोर्ड पर ड्रॉ कर ली है, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें ए डिग्री और बी डिग्री को फाइंड आउट करते हैं। तो सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज़ एक बार ट्रांसवर्सल ज़रूर समझ लें कि ट्रांसवर्सल क्या होती है, और ट्रांसवर्सल में जितने भी एंगल बन रहे होते हैं लाइक वर्टिकल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, जब आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपको ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज खसूसन अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो अगर आप लोगों को ट्रांसवर्सल का नॉलेज नहीं है तो पहले आप ट्रांसवर्सल को एक बार रीड कर लें, उसको समझ लें, उसके बाद जब क्वेश्चन करें तब आपके लिए और भी आसानी होने वाली है, क्योंकि ट्रांसवर्सल ही आपको हेल्प करेगा इस पूरी एक्सरसाइज में इन जो अननोन्स हैं बेसिकली फाइंड आउट करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके पास ये शेप ड्रॉ हुई हुई है, इसमें ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, इनके ऊपर एरो हेड भी डला हुआ है। एरो हेड का मतलब है कि ये दोनों कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, ये इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, ये इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, तो इसलिए इनको पैरेलल कहते हैं, ये क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो अब बात करते हैं हमने फाइंड क्या करके दिखाना है, हमने फाइंड ए करके दिखाना है, हमने फाइंड बी करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको इन सवालों में बताया हुआ है, आप लोग सबसे पहले देखें कि जो पैरेलल लाइंस हैं आपकी, जब आपने वो पहचान ली है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और ये मेंशन भी है सवाल में, तो आप देखें इसमें ट्रांसवर्सल कितनी है। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो ट्रांसवर्सल है, एक ये ई वाली लाइन और एक ये एफ़ वाली लाइन। मैं इनको ट्रांसवर्सल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन को कहते थे जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती थी, ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे उसको हम बोलते थे ट्रांसवर्सल। तो अगर आप नोटिस करें, ये ई वाली लाइन एक इधर भी टच कर रही है, यानी पहली पैरेलल लाइन को भी कट कर रही है, और दूसरी पैरेलल लाइन को भी ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, यानी ये एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है। तो इसका मतलब ये लाइन कहलाएगी ट्रांसवर्सल। तो जो ट्रांसवर्सल हुआ करेगी आप उसको अपनी आसानी के लिए एक्सटेंड कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और पैरेलल लाइन्स को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं इसलिए इस पैरेलल लाइन को भी एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि समझाने में मुझे भी आसानी हो और आपको समझने में, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए। तो देखिए, मैंने एक ये एक्सटेंड कर ली है, इसका नाम मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए रख रहा हूं T1, कि आप लोग ध्यान में रखें ये ट्रांसवर्सल नंबर 1 है, T1 यानी ट्रांसवर्सल नंबर 1। इसी तरीके से एक लाइन ये भी तो है F वाली, ये भी इधर भी टच कर रही है पैरेलल लाइन को नंबर 1 को, और दूसरी पैरेलल लाइन नंबर 2 को भी इधर भी टच कर रही है, जहाँ पे पहली वाली ट्रांसवर्सल भी टच कर रही थी। तो यानी ये भी एक ट्रांसवर्सल हुई, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो ये दोनों पैरेलल लाइन को टच करके या क्रॉस करके गुजर रही है। तो आप इसको भी एक्सटेंड कर लें ताकि ये भी आपको मालूम रहे कि ये आपके पास बेसिकली ट्रांसवर्सल नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई बात। अब बात देखते हैं कि जब दोनों ट्रांसवर्सल्स हैं तो आपके जहन में फौरी आ जाना चाहिए कि इसमें वर्टिकल एंगल हो सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बन सकते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपने पहचानना है कि आपको कौन सा इस टाइम यहाँ पे सूटेबल एंगल नज़र आ रहा है जो कि इक्वल बनता है और जिससे आपको मदद मिलने वाली है। तो आप सबसे पहले बात देखें इस ए की, ये बेसिकली इस वाली ट्रांसवर्सल पर है जो कि जिसका नाम है ट्रांसवर्सल नंबर 2। तो अगर मैं यहाँ पर रफली बना लूँ, ये रफ़ फिगर है, ठीक है, कि एक लाइन इस तरह अगर गुजर रही होती थी तो जो एंगल यहाँ पे बनता था और जो एंगल यहाँ पे बनता था, मैंने यहाँ पे दोनों पे क्यों पॉइंट आउट किया है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसवर्सल नंबर 2 पे भी कुछ एंगल्स यहीं पे बन रहे हैं। तो आप देखें, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल इस लाइन के नीचे बन रहा है यहाँ पे, वही काम मैंने यहाँ पे किया है शो करने के लिए, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और दूसरा एंगल वही लाइन के नीचे बन रहा है। तो इन दो एंगल्स को क्या बोलते थे, तो आपको याद होगा ऐसे एंगल्स जो लाइन के एक ही साइड पे होते थे, जैसे ये हमारे पास अगर लाइन है, लेट से ये हमारे पास लाइन है, तो इसके एक ही साइड पे जो होते थे वो एंगल्स कहलाते थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इस शर्त के साथ कि जो पहला एंगल है वो उसका वर्टेक्स अलग होता था, यानी वो यहाँ पे टच कर रहा है और दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है। और दूसरी बात ये होती थी कि अगर ये लाइन के नीचे है तो दूसरा भी लाइन के नीचे है, यानी अगर ये वाला एंगल, बेसिकली ये वाला एंगल लाइन के नीचे बना हुआ है, तो
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता था वो इसी साइड पे दूसरे वर्टेक्स के साथ होता था और वो भी लाइन के नीचे होता था। तो अब इसी फिनोमिना को यहाँ पे देखें तो एक एंगल है यहाँ पे ए और एक एंगल है यहाँ पे, ये भी बेसिकली लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है और एक ही साइड पे है। तो ए डिग्री और 38 डिग्री आपस में क्या हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्रांसवर्सल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम, यानी ए बेसिकली किसके इक्वल आ गया, 38 डिग्री के। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए, 38 डिग्री के। और आगे आप रीज़न भी लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और ये किसके किस दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आपको मिले हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक पैरेलल लाइन थी ए बी और एक थी सी डी, तो आप कॉमा डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बेसिकली ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइन थी उनके दरमियान ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको मिले हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो आप डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो ए का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 38 आपके पास आ जाता है, ठीक हो गया। तो आपने देखें ए जल्दी से निकाल लिया, अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पता होगा तो आप फौरी डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से मुराद है, तो ये लाइन के नीचे था ए, ये लाइन के नीचे था 38, तो दोनों सेम साइड पे होने की वजह से कॉरस्पॉन्डिंग हुए, तो ए इक्वल आ गया 38 के। अब बात करते हैं इस बी की, मैं इसका वाला ट्रांसवर्सल भी यहाँ पर रफली बना लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से ये आपकी ट्रांसवर्सल नंबर वन है, ठीक है, और इसमें कुछ डिवीज़न हुई हुई है, यानी एक एंगल आधा यहाँ पे है आधा यहाँ पे है, मैं अभी पूरी लाइन नहीं बना रहा जस्ट आपको शो कराने के लिए कह रहा हूँ। ये ए लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, ये 30 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 2B। तो अगर आपको याद हो कि ये वाले एंगल जो सेम वही फिनोमेना एग्जिबिट कर रहे हैं जो यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे भी ऐसे ही था, एक ही साइड पे थे और एक लाइन के नीचे था दूसरा भी लाइन के नीचे था, बस वर्टेक्स सेम थे, ये ऊपर टच कर रहा था और ये नीचे। तो काम यहाँ पे भी कुछ उस तरह ही का है कि एक ऊपर टच कर रहा है यानी ऊपर वाले वर्टेक्स से कनेक्ट होकर बन रहा है और एक नीचे वाले वर्टेक्स से कनेक्ट होकर बन रहा है, बस फर्क क्या पड़ा है कि यहाँ पे जो एंगल्स आए हैं वो टोटल एंगल नहीं आया बल्कि उसके दो पीस हुए हुए हैं, एक पीस है यानी एक पार्ट हुआ हुआ है उसका नाम 30 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक पार्ट हुआ हुआ है उसका नाम है ए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं देखूँ मैं मुझे चाहिए हो ये पूरा एंगल कितना होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बेसिकली ये पूरा एंगल होगा ए प्लस 30, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा एंगल कितना होगा यहाँ से लेकर इस लाइन तक, ये होना चाहिए ए प्लस 30। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, अभी आपको मैंने बताया है कि ऐसे एंगल जो इस तरह का फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं यानी ये भी लाइन के नीचे है ये भी लाइन के नीचे है एक ही साइड पे है अलग अलग वर्टेक्स पे है, तो इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ए प्लस 30 किसके इक्वल होना चाहिए, 2B के, क्योंकि इस लाइन की हम बात कर रहे हैं ना ट्रांसवर्सल नंबर वन की, तो ट्रांसवर्सल नंबर वन पे ही एंगल देखेंगे दूसरे वर्टेक्स पे, तो दूसरा वर्टेक्स है 2B, तो ये पूरा एंगल इक्वल होना चाहिए किसके, 2B के। और इसकी रीज़न भी सेम होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और आगे ए बी पैरेलल टू सी डी, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ ये पूरी रीज़न जगह की वजह से, आपने यही रीज़न पूरी यहाँ पे भी कोट कर देनी है। और याद रखिए मैंने टोटल क्यों किया है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप कहते ही उसको हैं जो पहली पैरेलल लाइन से स्टार्ट हो यानी यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो और उस ट्रांसवर्सल तक आए, तो ये असल में दो पीस हुए हुए थे तो मुझे इन दोनों पीस को एक मिलाकर एक वन पीस कंसिडर करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एंगल और इस पूरे लाइन तक आने तक मुझे काउंट करना था, तो वो एक यहाँ से लेके यहाँ तक ए था और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 था, तो ए प्लस 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता चल चुका है ए कितना है, 38 अभी आपने फाइंड किया था, वो आप इस ए की जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो ए हो जाएगा 38 प्लस 30 और यहाँ पे जस्ट बचेगा 2B डिग्री। अब आपने जस्ट 38 को और 30 को ऐड कर देना है, तो वो बहुत सिंपल है, आपके पास आ जाएगा 68 और यहाँ पे बचेगा 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें या 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली इक्वेशन बन जाएगी 68, ये वाला 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो गया और यहाँ पे आ गया पी डिग्री, तो 68 को आपने डिवाइड करना है 2 पे जो कि आपका आंसर आएगा 34, तो बी डिग्री का आंसर आ गया आपके पास 34। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी डिग्री को डिग्री से कंपेयर कर लें तो बी आ गया है आपके पास 34, तो बी आ गया 34, ए आ गया 38, दोनों पे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का फिनोमेना लगा, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिखी, दोबारा बता रहा हूँ, आपने दोबारा खुद से ऐड कर लेनी है, मेरे पास जगह कम है, तो ये हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया।